हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका है और आज हम बनाने जा रहे हैं जुकनी की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें करीब मैं 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल डाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक चुटकी करीब हींग डालूँगी और मैं इसमें करीब डालूँगी करीब 1 बड़ा चम्मच जो इसमें मैं लूँगी जीरा। देखिए जीरा अच्छे से कड़क गया है। अब मैं क्या करूँगी, अपनी गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और इसमें डालूँगी 2 से 3 बड़े कटे हुए मैंने यहाँ पे लहसुन को चॉप कर रखा है, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए गैस का फ्लेम मैं ऑन कर ले रही हूँ, क्योंकि गैस ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। हल्के हल्के हमारे जो लहसुन ये हो चुके हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये जो मैंने प्याज काटा है, एक आधा प्याज मैंने इसको पतला पतला इस तरीके से चॉप कर रखा है, वो अब मैं इसमें डाल दूँगी इस तरीके से। और हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, प्याज जो हमारे हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। मसालों में मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे करीब लिया है लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। और 1/2 से भी 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये मिक्स हो गया है फ्रेंड्स। अब मैंने इसमें एक आलू जो है इसको इस तरीके से चौकोर काट लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको भी अच्छे से इसकी कोटिंग इसके ऊपर कर दूंगी प्याज की। और मैं अब इसमें डालूंगी करीब 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी ताकि हमारे आलू जो है अच्छे तरीके से पक जाए। इसको मैं मिक्सर ले रही हूँ। अब मैं इसको ढक दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम अपनी सब्जी को इस तरीके से ढक देंगे ताकि ये हमारे आलू जो है हाफ कुक करना है हमें इन्हें, इसको करीब 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये देखिए फ्रेंड, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमने फुलके ढक लिए हैं। हमारे आलू पक चुके हैं, लगभग हाफ कुक हो चुके हैं। मैंने चक्कू से पहले देख लेती हूँ, हाँ ये पक चुके हैं। अब मैंने इसमें करीब 2 बड़ी जुकनी जो है इस तरीके से इसको काट लिया है बीच में से जीरा लगा के। अब मैं इसमें डाल दूंगी और मैं इसको भी अच्छे से इस तरीके से मिक्स करूंगी। और मैं इसको ढक दूंगी। और फ्रेंड्स, मैं अपनी लीड पे थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ ताकि जो सब्जी है जल्दी से पानी के भाप से आराम से जल्दी से पक जाएगी। तो मैंने इस लीड पे अपनी थोड़ा सा पानी डाल दिया है। ये देखिए फ्रेंड, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैं एक बार ये सब्जी को चला देती हूँ, अपने आराम से ढक्कन उठाना है। देखिए लगभग ये हो रही है अभी अच्छी है। अभी मैं इसको फिर से दोबारा ढक दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 3-4 मिनट हो चुके हैं, मैं सब्जी को खोल देती हूँ। देखिए अच्छे से पक चुकी है। अब मैं अपने गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। आप इसको रोटी, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ खाइए,